सर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, या इस कह लेंगे ये कॉन्सेप्ट को हम पीछे सीख चुके हैं क्या? बिल्कुल, ऐसा हम पीछे सीख चुके हैं, बट हमने बहुत बेसिक कवर किया था वहाँ पे। ऑल्दो दैट बेसिक इज क्वाइट सफिशियंट, बट स्टिल थोड़ा सा इसकी गहराई में और जाएंगे और हम समझेंगे कि इस डिस्काउंट के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ साथ ही में उसके साथ हमें जो मेन बात करनी है वो ये कि जो भी सिचुएशन रहे डिस्काउंट की, अल्टीमेटली उसको जनरलाइज कैसे किया जाएगा। किसी भी नेचर का डिस्काउंट होगा, उसको अपने को जनरल एंट्री में किस तरीके से लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर डिस्काउंट होता क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, एक सेलर है, एक बायर है, दो व्यक्ति है, दो प्राणी है। एक जो सेलर है, ये क्या करता है, ये बायर को देता है डिस्काउंट। ठीक है सर, अब जब ये सेलर बायर को डिस्काउंट देता है, तो वो डिस्काउंट इसके लिए बताइए फायदा या नुकसान है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्काउंट है ये इसके लिए नुकसान है, बट जो इसको डिस्काउंट मिल रहा है वो इसके लिए क्या है, फायदा है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए अलग टाइप से इसकी अकाउंटिंग होगी। हमें दोनों की अकाउंटिंग देखनी है। हमें देखना है कि अगर सेलर ने डिस्काउंट दिया तो उस केस में इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, इसके केस में जनरलाइज कैसे किया जाएगा, और अगर बायर को डिस्काउंट मिला है तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरीके से होगी और उसको हम जनरलाइज कैसे करके चलेंगे। ठीक है, ये अपने को यहां पे बात करनी है। ठीक, तो अब ये डिस्काउंट जो है, बेसिकली सेलर जो है वो कब देता है, वो दो सिचुएशन में देता है। पहला, जब वो प्रमोट करता है बल्क सेल। बल्क सेल का मतलब क्या हुआ, वो ये नहीं चाहता कि जो बायर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 केजी राइस खरीदे, वो चाहता है जो बायर है वो 100 केजी राइस खरीदे। तो वो क्या कहता है कि 1 केजी राइस लोगे ना तो साहब 50 रुपीज का पड़ेगा, बट अगर 100 किलो खरीदोगे तो हम तुम्हें 40 का लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 100 किलो खरीदोगे तो आपको पर केजी उसने 10 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। इस टाइप के डिस्काउंट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है सर, दूसरा क्या है कि जब उसने कहा कि अच्छा तुम अगर 40 रुपए के हिसाब से 100 किलो खरीदोगे तो तुम्हारे बनते हैं 4,000 रुपए। आपने कहा हाँ भाई साहब 4,000 रुपए बनते हैं, लेकिन हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, तो हम ना कैश में नहीं खरीदेंगे, हम कैसे खरीदेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे। हम कैसे खरीदेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, और आप तो हमें 2 महीने का उधार देते हो, तो हमें 2 महीने का उधार चाहिए, 2 महीने के बाद हम आपको आपके 4,000 रुपए लौटा देंगे। ये एक जनरल सिनेरियो हो गया। अब सेलर को क्या लगा कि यार मेरे को ना पैसे ज्यादा चाहिए थे, इसलिए तो मैंने डिस्काउंट दिया, ताकि जो बायर है वो बल्क में क्वांटिटी परचेज करे। अब बल्क में बायर परचेज तो कर लेता है, लेकिन पैसे तो देता ही नहीं, वो तो उधार में लेके चला गया, भविष्य में देगा। तो अब सेलर को क्या लगा कि यार ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि हमें जो पैसे हैं ना वो भी इंस्टेंट मिले, या फिर जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा ऐसा है भाई साहब कि अगर 4,000 रुपए तुम्हें देने हैं तो 2 महीने के बाद देने। ठीक है सर, अगर 1 महीने के अंदर पे कर दोगे ना तो तुझे हम 5% का डिस्काउंट दे देंगे, और अगर आज के आज पे कर दिया तो तुमको हम 10% का और डिस्काउंट दे देंगे। मतलब अगर आज पे करते हो तो 400 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, 3600 रुपये दो और बात नक्की करो। ठीक है, अब ये सिचुएशन जो आ रही है, ये क्यों आ रही है, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। सेलर क्या चाह रहा है कि कैश जो है ना वो इंस्टेंट मिले, या फिर जल्दी से जल्दी मिले, और इस प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या फिर अर्ली पेमेंट के लिए जो वो एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है हमारी कि जब हम अपने बायर को लुभा रहे हैं कि वो बल्क में खरीदे, ज्यादा से ज्यादा खरीदे, ताकि हमारी सेल बहुत ज्यादा हो पाए, तो उस केस में जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। जब सेल हो जा रही है तो अब हमें चाहिए पैसा, और पैसा आने के लिए हम दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, और जब हम उसके लिए कुछ एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या किसी ट्रांजेक्शन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट हो और कैश डिस्काउंट ना हो, ऐसा चलेगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट ना हो और कैश डिस्काउंट हो, ऐसा चलेगा? बिल्कुल हो सकता है। और क्या किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं है और कैश डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं, कैश डिस्काउंट माइनस करो आगे बढ़ो। ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो आगे बढ़ो। अगर दोनों है तो हम पहले किसको माइनस करेंगे? तो आपको बताया गया कि अगर पहले है तो देखो घटना पहले कौन सी घट रही है, पहले आप खरीदोगे कि पहले पैसे देने की बात होगी, तो ऑब्वियस सी बात है पहले जितना भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, अभी सुनी बातें जो हमने कहानी सुनी, उसके हिसाब से पता लगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो पहले घटना घटेगी, उसके बाद कैश डिस्काउंट की बारी आएगी। तो अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंट्स के अंदर भी पहले कैश डिस्काउंट से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, उसके बाद जाके हम कैश डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ठीक है सर, ना
अब ये तो हो गया माइनस करना कैलकुलेशन पार्ट। अब कैलकुलेशन पार्ट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बात आएगी समझ में कि अकाउंटिंग में किस किस को दिखाया जाता है, किस किस को छुपा दिया जाता है। तो आपकी अकाउंटिंग कहती है कि भैया ट्रेड डिस्काउंट तो ऐसा है जो कि तुम मारामारी के लिए कर रहे हो। मारामारी का मतलब कि तुम्हें बल्क में सेल करना है, इसलिए तुम अलग अलग कस्टमर को अलग अलग टाइप से ऑफर देते रहते हो। कभी तुम्हारी सेल बढ़ती है, कभी घटती है, ये सब चलता रहता है, तुम्हारे बिजनेस प्रैक्टिसेस का पार्ट है। इसको हम अकाउंट्स में लेके नहीं आते। मतलब कि फाइनेंशियल फिगर्स की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस तो कर देते हैं, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट को अलग से हम नुकसान नहीं दिखाते और नुकसान के रूप में हम डिस्काउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। बट कैश डिस्काउंट आपका कैश की इनफ्लो को बढ़ाने के लिए है, कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए है, और ये एक फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल तो कर दिया था 4000 रुपए का, अगर 2 महीने इंतजार करते तो पूरे के पूरे 4000 मिल जाते। अगर 2 महीने इंतजार करते तो पूरे के पूरे आपको 4000 मिल जाते, बट आपको बेसब्री थी, आपको इंतजार नहीं था, इसलिए आपने डिस्काउंट दिया ताकि इंस्टेंट पैसा मिले। तो ये क्लियर लॉस है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे आपने अगर डिस्काउंट दिया तो उससे आपको फायदा क्या हो रहा है कि आपको बल्क में सेल हो रही है, मतलब कि एक एक किलो करके 100 आदमी को बेचते तो आपको जाके 5000 मिलता। आपने एक झटके में एक साथ 100 किलो बेच दिया, आपको 4000 ही मिला, लेकिन इंस्टेंट में पैसे मिल गए, ठीक है। यहां पे एक एक करके बेचते तो हो सकता है 100 किलो तक हमारी सेल पहुंचती, नहीं पहुंचती, कम पहुंचती, वी डोंट नो। बट यहां पे तो हमें चीजें सर्टेन हो गई थी, तो यहां पे जब चीजें सर्टेन हो गई थी हमें पता था 2 महीने बाद पैसा मिलेगा ही मिलेगा और पूरा मिलेगा, बट स्टिल हमने लुभाने के लिए अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट हमारा क्लियर कट नुकसान है, उसको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं। बट ये जो है ये आपके सेल्स के अलग अलग ऑफर हैं, ये आपकी मार्केटिंग का अपना अंदाज है, अपना तरीका है, बिजनेस को रन करने का अपना तरीका है। इसके अंदर फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो है, बट इसको हम फाइनेंशियल लॉस के रूप में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से दर्शाते नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की बिजनेस प्रैक्टिसेस और सेल्स प्रैक्टिसेस का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के डिस्काउंट्स को आप लेस तो करते हो अकाउंटिंग में, आप इसको कैलकुलेट तो करते हो, लेकिन इसको आप रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान देना, ट्रेड डिस्काउंट को हम कैलकुलेट तो करेंगे लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट को हम कैलकुलेट भी करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको यहां पे बता दिया है कि कैश डिस्काउंट जो है वो हमारे फाइनेंशियल इंपैक्ट को क्लियरली एविडेंटली दिखाता है, इसलिए हमें इस टाइप के हमने कितने डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं वो हमें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके चलना होता है, क्योंकि उससे हमारी प्रॉन्ट पेमेंट तो हो रही है बट हमें क्लियर कट अपना नुकसान वहां पे नजर आ रहा है। बट ट्रेड डिस्काउंट आपकी सेल्स प्रैक्टिस का पार्ट है, अगर आप उसमें नहीं खेलोगे तो आपकी सेल्स ही नहीं बढ़ेगी, और सेल्स ही नहीं बढ़ेगी तो आपका काहे बात का डिस्काउंट और काहे बात का बिजनेस रह जाएगा। इसलिए उसको यहां से आउटसाइड पर व्यू में रखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम डील करके नहीं चलते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दी कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है कैश डिस्काउंट, कौन पहले कौन बाद में आता है, किसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड नहीं करते। कैलकुलेट तो हम दोनों को करते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट को, उसके बाद कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल ओवरव्यू रिगार्डिंग दी डिस्काउंट, फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ये एक प्रकार का क्या है, अलायंस है, जो कि कौन देता है, सेलर देता है, कहां से, सेलिंग प्राइस से देता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉम्प्ट पेमेंट के चक्कर में आपकी पेमेंट में से भी कुछ डिडक्शन वगैरह आपको प्रोवाइड कर देता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि हमारा एक प्रकार से डिस्काउंट है। दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब होलसेलर जो है वो डिस्काउंट देता है किसको, रिटेलर को। एक चीज और ध्यान देना, कभी भी कोई अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है, जैसे कि ये एक आपका होलसेलर है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी सामान बेचता है, और ये कई सारे शॉपकीपर्स को भी सामान बेचता है, छोटे छोटे शॉप्स वाले जो है दुकानदार हैं उनको भी सामान बेचता है। तो ये जो बल्क डिस्काउंट का यहाँ पे फैसिलिटी दे रहा है कि भैया बल्क में खरीदो डिस्काउंट मिलेगा, तो एक इंडिविजुअल जो 1 kg खरीदता है ना, वो 1 kg ही खरीदेगा, क्योंकि उसकी खपत ही इतनी है, वो 100 kg या 1000 kg नहीं खरीद लेगा इस चक्कर में कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कंजम्पशन ही नहीं है। वो अगर खरीद लेगा तो पता लगे खरीद के घर तो ले आया और बाकी फिर सारे के सारे आपके सड़ गए, खराब हो गए, वेस्ट हो गए, तो अल्टीमेटली जितना डिस्काउंट उसने पाया था उससे ज्यादा का तो उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसी प्रैक्टिसेस कौन अपनाते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं आपके रिटेलर्स। रिटेलर्स का मतलब कि जो बल्क में खरीदेंगे और उसके बाद वो कई सारे छोटे मोटे कस्टमर्स को उसको आगे को बेच दिया करते हैं रेगुलर बेसिस में। तो ऐसे लोग इसको खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा स्टॉक हम कुछ मेंटेन भी करेंगे तो स्टॉक को मेंटेन करना कैसे है, और वो अपने सेल्स का फोरकास्ट करते हुए इस टाइप के डिसीजन ले पाते हैं। तो जनरली जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो किसके बीच में मिलता है, वो होलसेलर और रिटेलर के बीच में मिलता है। किसके बीच में मिलता है, होलसेलर और रिटेलर के बीच में मिलता है,
ठीक है सर, तो क्या कहा जा रहा है कि भैया ये डिस्काउंट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर हो सकता है, किसको दे रहा है, रिटेलर को दे रहा है, एक फिक्स परसेंटेज होती है यहाँ पे कि कितने परसेंट का आप डिस्काउंट दोगे जो भी आपका लिस्टेड प्राइस है, जो भी आपका एमआरपी है उसके ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि भैया एमआरपी था आपका कितने का, 50 रुपीज का, लेट से आपके 1 केजी के पैकेट के ऊपर आपने कहा भैया अगर 100 किलो खरीदोगे तो तुमको हम 20% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब वो जो 50 का था वो कितने का पड़ेगा आपको, 40 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिस। अब इसका एक और फायदा क्या है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है ना, उसको बार बार ये कैटलॉग प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सपोज उसने पैकिंग कर दी, अब पैकिंग करने के ऊपर तो उसने 50 रुपए लिखवा दिया, प्रिंट करवा दिया, अब 50 रुपए जब उसने प्रिंट करवा दिया है तो अब वो अलग अलग तरीके से, सपोज उसको किसी कॉम्पिटिशन या बाई एनी रीजन किसी भी कारणवश उसको ये 50 रुपए का माल 40 में बेचना है, क्यों, क्योंकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है वो भी 40 का बेच रहा है या वो 42 रुपए का बेच रहा है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको सारी पैकिंग दोबारा से रीप्रिंट करानी पड़ेगी, उसके ऊपर रेट चेंज कराना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें ना आए, मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस चेंज करने का मतलब है कि सभी प्रोडक्ट की रीपैकिंग करवाना, उसकी प्राइस के अंदर छेड़खानी करना। इससे ज्यादा बेटर क्या है कि प्राइस तो जो है वही रहने दो, अपने डिस्काउंट के ऑफर ले आओ। आप देखोगे ऐसा ही होता है जनरली शॉप्स में, जितने भी शोरूम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ऐसा ही होता है, कभी आप जाओगे तो उस पर देखोगे डिस्काउंट का टैग होता है 70%, कभी जाओगे तो वो डिस्काउंट का टैग चेंज करके कर देते हैं कितना 10%, एमआरपी कभी चेंज नहीं करते। जैसे कोई शूज़ है, वो शूज़ आपके अगर 5000 का था तो उसी शूज़ को कभी वो 70% के ऑफ पे निकाल देंगे 1500 रुपये का, और कभी उन्होंने 10% ऑफ पे 4500 रुपये का भी उसको बेचा हुआ होगा। तो इससे क्या है कि शूज़ के ऊपर बार बार छेड़खानी की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट का टैग बदलना है आपको, दैट सेट आपका काम हो जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है जो कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को मिलता है और उसको क्लियरली ये दिखता है। ठीक है, कब ये दिया जाता है डिस्काउंट, कब अलाउ किया जाता है, जब जो हमारा रिटेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है, बल्क में परचेज करता है। ये डिस्काउंट क्या सर, सिर्फ क्रेडिट में दिया जाएगा या फिर कैश के टाइम पे दिया जाएगा या दोनों टाइम पे दिया जाएगा? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं, हमें तो बल्क सेल चाहिए, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, कैश से इसका कोई लेना देना है सच होता नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है क्या कि भैया ये जो डिस्काउंट है ये अलाउ किया जाता है क्रेडिट सेल के ऊपर भी एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स के ऊपर भी, इससे कोई पेमेंट का लेना देना नहीं है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि इसकी कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट के, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है हमारे इनवॉइस से। इनवॉइस से इसको हम डिडक्ट करते हैं, मतलब आप इसको इस तरीके समझ सकते हो कि कैलकुलेट तो करना है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको बुक्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है। अच्छा जी, अब एक बात बताएं सर कि आपने 50 रुपये केजी का माल जो है वो 40 रुपये केजी में बेचा था, ये बोलते हुए कि 20% का डिस्काउंट है, सामने वाला जो है वो 100 केजी ले गया, अब उसको इसमें से कुछ डिफेक्ट दिखा और वो 20 केजी माइनस कर रहा है, तो जब वो 20 केजी माइनस करेगा तो रिटर्न करते वक्त, जब वो 20 केजी रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करते वक्त हम 50 का लेंगे कि 40 का लेंगे? तो बहुत ही घटिया सवाल है ये। अब अगर आप सेलर हैं तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास बायर आया, बायर बोलेगा कि भैया मैं 50 का माल 40 का लेके गया था, ठीक है साहब, अब मैं जब लौटा रहा हूं तो बोलेगा 20 केजी लौटा रहा हूं, 50 के हिसाब से लाओ पैसे निकालो, तो सेलर उसको क्या करेगा, खोपचे में लेके जाएगा, बोलेगा अच्छा बेटा तुम ही शाणे बन रहे हो, हमने जब तुम्हें बेचा 40 का था तो तुमसे जब वापस लेंगे तो वो भी किस रेट के हिसाब से लेंगे, ऑब्वियसली 40 के हिसाब से लेंगे। तो इसका मोटे मोटे मतलब ये है कि जितना डिस्काउंट आप सेल के टाइम पे माइनस करते हो लिस्ट प्राइस में से, उतना ही डिस्काउंट आप सेल रिटर्न के टाइम पे भी माइनस कर दोगे, किससे, लिस्ट प्राइस से। ठीक है, जो भी लिस्ट प्राइस थी 50 रुपए की लिस्ट प्राइस थी तो 20% माइनस करके 40 में सेल किया गया था, तो सेल रिटर्न भी जब होगा तो लिस्ट प्राइस तो 50 की 50 ही रहेगी, उसमें से वही डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस कर दिया जाएगा और उतने ही अमाउंट से सेल रिटर्न भी दिखाया जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस और प्रैक्टिकल सी चीज है, बट स्टिल एक क्लैरिटी के लिए आपको बताना जरूरी था। नाउ कैश डिस्काउंट की सर बात करें तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो हमने देखा कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि आपको पेमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मतलब इसका मोटा मोटा जो आउटकम है वो ये निकल के आ रहा है कि भैया कोई एक फिक्स पीरियड के अंदर आपको पैसे चाहिए, उसके लिए आप डिस्काउंट का ऑफर अपने कस्टमर्स वगैरह को, अपने रिटेलर्स वगैरह को देते हो। बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, एक मोटिवेशन देता है कस्टमर्स को कि जल्दी पेमेंट देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, जितनी जल्दी पेमेंट देंगे उतना जल्दी हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जिसको हम अपने बुक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट इसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसको बुक्स में हम रिकॉर्ड भी करते हैं। ठीक है सर, ओके जी। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि डिस्काउंट जो है वो एक प्रकार का क्या है आपका, किसी के लिए फायदा किसी के लिए नुकसान। तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो ये अगर नॉमिनल अकाउंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका ये नुकसान होगा उसके लिए ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जिसका फायदा हो रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से चलेगा, दो धारी तलवार की तरह
किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान, जिसके लिए नुकसान उसके लिए डेबिट, जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसके लिए नुकसान है तो उसके लिए डेबिट हो जाएगा, जिसको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है उसके लिए फायदा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एक साथ हो, और एक साथ होगा तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे उसके बाद कैश डिस्काउंट को माइनस करके चलते हो, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। अब इसको मेरे को कनेक्ट करना है जनरलाइज करने के लिए, इसको जनरल एंट्री से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे। आइए सर, बात करते हैं डिस्काउंट की, और दोनों एंगल से देखेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, सेलर के ऊपर, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, बायर के ऊपर। तो अपन ऐसा करते हैं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। या चलो कोई नहीं, एक है हमारा सेलर और एक है हमारा बायर, ठीक है। आपने कुछ आइटम सेल किया, जब आपने सेल किया तो आपने उसको कहा कि हम तुमको देंगे डिस्काउंट, ठीक है। अब पहले इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि कोई एक ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन किस प्रकार से हुई है कि लेट से वो ट्रांजैक्शन था आपका 10,000 रुपए का, आपने किसी को सामान बेचा, आपकी 10,000 की लिस्ट प्राइस थी, आपने कहा 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 1,000 रुपए का आपका डिस्काउंट माइनस हो गया, आपकी वैल्यू कितनी आई 9,000 रुपए। ये जो पहला माइनस हुआ ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और ये क्या है आपका लिस्ट प्राइस, ठीक है सर। इसके बाद 9,000 रुपए आया, आपने कहा भैया अभी के अभी पेमेंट दे दोगे, या फिर जो भी आपने टाइमलाइन उसको बताई उसके अंदर पेमेंट दे दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेट से वो भी 10%, वो भी आपने उसको दे दिया, उसने आपको टाइम से पेमेंट दे दी, आपको जो एंट्री निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, यहां पे इसमें से 900 और माइनस हो जाएगा 8,100, ठीक है। अब ये जब कैश डिस्काउंट मिल रहा है दैट मींस कि कैश मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल रहा है दैट मींस क्या है कि कैश मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है दैट मींस अभी कैश नहीं मिला है, मतलब वो क्रेडिट सेल है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, क्रेडिट सेल है, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में चीख चीख के कह रहा हो, बट कैश डिस्काउंट मिल गया तो दैट इज फॉर श्योर कि यहां पे क्या होगी, कैश सेल हो गई, क्योंकि कैश डिस्काउंट देंगे ही तब जब कैश में सेल कर रहे होगे आप, ठीक है। अब इसके आपको एंट्री करनी है, तो आपको क्या बताया गया कि भैया जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसको कैलकुलेट तो करना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब यहां तक की बात तो आप भूल जाओ, यहां तक की बात तो आपको भूल जानी है। सेल कितने का दिखाना है आपको, 9,000 रुपए का, जिसमें से कि 900 रुपए का डिस्काउंट होगा और 8,100 आपको मिल जाएंगे। सेल की एंट्री क्या होती है, हमने सेल की एंट्री देखी थी, आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट। अब जो सेलर है इसके लिए डिस्काउंट क्या है, फायदा या नुकसान, तो सेलर के लिए डिस्काउंट जो है वो नुकसान है, सेलर जो है वो डिस्काउंट जो है वो दे रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, और जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसके लिए वो लॉस है, और डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अकॉर्डिंगली आपका जो डिस्काउंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, यहां पे डेबिट हो जाएगा। इसको और क्लैरिटी के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक ही बात है। टू, अब हुआ क्या है, तो आपने यहां पर सेल्स करी है, सेल्स कितने की है सर, 10,000 रुपए की, नहीं 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 नहीं, सेल्स में से आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, उसके बाद जो बचेगा उसी को आप सेल्स बोलते हो, तो 9,000 का आपका सेल है। इतनी बातें आपने कैलकुलेट कर ली, अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको याद नहीं रखना। आपकी सेल सीधा 9,000 की हो गई, डिस्काउंट आपने कितने का दिया, 900 रुपए का, और आपको कैश कितना मिला है, 8,100 रुपए। इस तरीके से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, आप लिखोगे बीइंग गुड सोल्ड आफ्टर अलाउइंग कैश डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ठीक है, as simple as that, इस तरीके से आप इसको खत्म कर लोगे। अब इसका अपोजिट ट्रांजैक्शन, जैसे ये सेलर के रूप में आपने देखा तो ट्रांजैक्शन ये हुई, अगर बायर के रूप में बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी, बायर क्या बोलेगा कि भाई साहब मैं तो कर रहा हूं परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज ये कितने का दिखाएगा, ये भी बताएगा 9,000 रुपए का परचेज। टू, इस 9,000 के बदले इसको पैसे कितने देने पड़े, पैसे देने पड़े सिर्फ 8,100 रुपए, और बाकी का इसको क्या मिल गया, डिस्काउंट। अब आप अगर सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर क्रेडिट में है तो ऑब्वियसली ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और डेबिट में था तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट अलाउड होगा, बट चाहे तो आप सेफर साइड के लिए बिल्कुल क्लियर कर दें, और क्लियर क्लियर भी लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करोगे कितने से, 900 रुपए के, और नरेशन क्या लिखोगे, बींग गुड्स परचेज आफ्टर रिसीविंग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 10% ईच, ठीक है जी। ये इसकी ट्रांजेक्शन हो गई। तो ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पे अब जनरल एंट्री के थ्रू समझ में आ रहा होगा। सेल की ट्रांजैक्शन आपको पता थी, परचेज की ट्रांजैक्शन आपको पता थी, उसी में किसने अपनी जगह बना ली, डिस्काउंट ने। एक जगह डिस्काउंट अलाउड, जो अलाउड है वो सेलर यूज करता है, उसको डेबिट करता है क्योंकि वो उसके लिए नुकसान है, और जो
डिस्काउंट रिसीव्ड है वो बायर यूज करता है क्योंकि वो उसके लिए फायदा है। सर एक बात बताइए, ये ट्रेड डिस्काउंट अगर होता और कैश डिस्काउंट नहीं होता तब तो हम डिस्काउंट की एंट्री ही नहीं करते। बिल्कुल सही समझा आपने। लेट्स से इसी एग्जांपल में बोलता हूं कि कैश डिस्काउंट नहीं था, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की जानकारी थी, तो उस केस में एंट्री क्या होती? उस केस में एंट्री होती आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 9000 रुपए से। ठीक है, ये आप एंट्री उस केस में करके चलते। क्या ये एंट्री ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ये एंट्री कब करोगे? जब आपको पता होगा कि आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया और आपकी जो सेल है वो कैश सेल है। अगर ये चीज नहीं पता होगी तो उस केस में आप कैश अकाउंट की जगह पे क्या लिखोगे? जो भी पार्टी का नाम होगा। और अगर नाम नहीं पता होगा तो उस केस में आप क्या लिखोगे? डेटर अकाउंट। ठीक है ना, तो ये वो कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। ये एज इट इज चलेगा। ये कैश अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, बैंक अकाउंट भी डेबिट हो सकता है और डेटर अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है, बींग गुड सोल्ड आफ्टर रिसीविंग आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% 9000 रुपए से आप लिख दोगे यहां पे। ठीक है सर। नाउ परचेज वाला एंट्री वाला बंदा क्या करेगा? वो करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 9000। अगेन यहां पे भी सेम रूल है, कैश अकाउंट भी आ सकता है, बैंक अकाउंट भी आ सकता है, नाम होगा तो नाम आ जाएगा, नहीं तो फिर क्रेडिटर वर्ड यूज करोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बट फिलहाल मैं वो नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको डिस्काउंट से रिलेट करा रहा हूं। यहां पे भी आप क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड आफ्टर रिसीविंग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, बात खत्म। ठीक है, ये आपने गुड्स परचेज कर लिया, ये उसकी एंट्री हो गई। अब क्योंकि यहां पे डिस्काउंट आपको कहीं दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट नहीं था। और यही इसी का उल्टा, अगर ट्रेड डिस्काउंट ना हो कैश डिस्काउंट होता तो आपकी एंट्री कैसे होती? जैसे आपने यहां पे की थी। और दोनों होगा तब भी एंट्री कैसे होगी? जैसे आपने ऊपर की थी। ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस तो करोगे, कैलकुलेशन में इसका इफेक्ट दिखेगा बट एक्चुअल में एंट्री में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब इसको हम कैलकुलेट तो करते हैं बट इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट कैश डिस्काउंट ऐसा होता है जिसको हम कैलकुलेट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। तो आई होप आपको इसकी अकाउंटिंग अच्छे समझ में आ गई है कि डिस्काउंट होता क्या है, नहीं होता, ये आपको पहले भी पता था। उसको हमने अच्छे से रिवाइज किया और उसको जनरल एंट्री में उतारने की कोशिश करी कि जनरल एंट्री में उसका रूप जो है वो कैसे निखर के आएगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब इसके अंदर कुछ एक थ्योरी सी थ्योरिटिकल बातें और हैं कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और किस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ऑल दो मैं इस बेसिस पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपसे पूछूंगा तो आप इसके एडवांटेजेस भी बता दोगे कि क्या डिस्काउंट के फायदे हैं सेलर को, क्या डिस्काउंट के फायदे हैं हमारे बायर को। दो पॉइंट से देखा जाएगा इसको कि जब होलसेलर और रिटेलर की बात करें तो क्या फायदा है और जब सेलर और कस्टमर की बात करें तो क्या इसके फायदे हैं। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ तो आप अच्छे से इसके डिफरेंस के भी 3-4 पॉइंट इजिली लिख दोगे। बट स्टिल हमारे कोर्स का पार्ट है, हमारी थ्योरी का पार्ट है, तो उसको हम अलग से सेपरेटली एक बार और कवर कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले।